हेलो स्पायरेंस, वेलकम टू एशिया साइंस इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है www.asia.com। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस अपलोड करते हैं, तो आप यहाँ करंट अफेयर्स जो है हर मंथ का हम टेबल बनाते हैं, तो अगस्त मंथ के लिए भी ये टेबल है। आप यहाँ से करंट अफेयर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियोस दोनों इंग्लिश और हिंदी में बनती है। न्यूज कवरेज होता है जो भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स है न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर हम यूज करते हैं प्रिपेयर करने को। उसके अलावा फिर कीवर्ड्स, तो जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो भी यहाँ पे पिकअप किए जाते हैं। मतलब कीवर्ड्स एक इनिशिएटिव है कि जो भी करंट अफेयर्स में इश्यूज आते हैं और जो टर्मिनोलॉजीज आती है वो काफी रिपीटेटिव होती है और उनमें से ही सवाल बनते हैं, स्पेशली इन एमसीक्यूज वगैरह एंड इवन फॉर मीट्स। तो यहाँ पे इनका कीवर्ड्स का एक पूरा लिस्ट बनाया जाता है एवरीडे बेसिस पे, जो भी टर्म्स आए हैं न्यूज में, तो जो पर्सनालिटी डिस्कस हुई है अगर आज के न्यूज में ये सब है, तो जीएम मस्टर्ड, जीएसी, इन सब के ऊपर डिटेल्स, बैकग्राउंड डिटेल्स यहाँ पे एक कीवर्ड का फाइल बना के अपलोड किया जाता है। तो ये एवरीडे बेसिस पे होगा। मंथली बेसिस पे हम इसका कंपाइलेशन भी करेंगे, इवन टॉपिक वाइज कंपाइलेशन करेंगे, जैसे कि कल्चर रिलेटेड है या पॉलिटी बिल रिलेटेड है, तो सारा एक साथ भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिविजन मटेरियल हो जाएगा। इसके अलावा जो और अपलोड होता है वो है एडिटोरियल्स। तो डेली जो एडिटोरियल्स आते हैं वो अपलोड होते हैं। क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं वो मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं, और जो लीड आर्टिकल होते हैं जो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में, तो वो लीड आर्टिकल्स के ऊपर और जो अदर आर्टिकल्स होते हैं ओपेड पेज पे उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अगर कोई आर्टिकल सिग्निफिकेंट है तो उनपे क्वेश्चन बना के यहाँ पे कंटेंट दिया जाता है, आप अपने आंसर्स लिख सकते हो यूज करके। और ये सारा मटेरियल जो है इसका पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोडेबल आपके लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ये है एक एमसीक्यू टेस्ट का इनिशिएटिव, तो ये डेली एमसीक्यूज प्रिपेयर किए जाते हैं करंट अफेयर्स पे। तो आप वीडियो देख सकते हैं, न्यूज का पीडीएफ प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप जब ये एमसीक्यूज जो अपलोड होते हैं वो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जब हम कोचिंग दे रहे हैं, जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो टेस्ट नहीं देते, और रीजन ये होता है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है टेस्ट के लिए। तो क्योंकि, और ये फैक्ट भी होता है क्योंकि काफी ज्यादा सिलेबस है, काफी ज्यादा प्रिपेयर करना है तो टाइम लगता है, तो ये जल्द जल्दी नहीं होता कि आप टेस्ट के लिए रेडी हो सको, कि आपको एक सब्जेक्ट का भी टेस्ट दे सको। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है ये छोटे छोटे डेली टेस्ट से रोज अपलोड किए जाते हैं। 10 सवाल होते हैं हर टेस्ट में और ये उस दिन के करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स न्यूज में कवर किया गया है, डिस्कस किया गया है, वही क्वेश्चंस वहाँ पे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके पूछे जाते हैं यूपीएससी फॉर्मेट। तो इससे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती है। आप सिर्फ वो दिन का न्यूज अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपको करंट अफेयर्स टेस्ट दे सकते हो डेली बेसिस पे। उसके अलावा आप अपनी मिस्टेक से, जो सिली मिस्टेक्स होती है एमसीक्यू सॉल्व करने में, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपने सॉल्व किया, अच्छा स्कोर किया, तो आप प्रिपेयर सही ढंग से कर रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस आपको आता है। ये बेनिफिट है एमसीक्यू टेस्ट का। एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है 29 जुलाई के, जो 10 सवाल थे, तो ये सवाल होते हैं। इसका एक सैंपल यहाँ पे दिया गया है एक दिन का, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। हर एरिया से सवाल होते हैं, और ये जो एक इनिशिएटिव है इसको हमने चार्जेबल किया है फिलहाल। तो ये इनिशिएटिव के लिए आपको 5,000 फॉर 1 ईयर टिल 31 मई 2018, टिल योर प्रीलिम्स, पूरा जो एक साल का करंट अफेयर्स होगा उसका एक्सेस आपको मिलेगा फॉर प्रीलिम्स 2018। तो आप इसके लिए एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स दिए गए, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे आप ये टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स डेली न्यूज कवरेज हो रहा है, जो पीडीएफ है, जो वीडियोस बन रहे हैं फॉर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ये चार्जेबल नहीं है, ये आपके प्रीलिम्स मेंस तक ये इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई इंटेंशन इसको चार्जेबल करने का नहीं, तो वो भी एक है। तो अब देखते हैं आज के न्यूज आइटम में, हम ये भी पहले देखेंगे वीडियो में कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर कैसे करना है हिंदू न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इसका भी एक आइडिया लेंगे हम। तो ये आज का हिंदू न्यूज़पेपर है। तो ऑन द फ्रंट पेज जैसे न्यूज है ऑन लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, तो यहाँ पे अपोजिशन फोर्सेस सेंटर पे प्रेशर डाल रही है, और सेंटर का रिस्पांस ये है कि ये स्टेट डोमेन का फंक्शन है, पर अपोजिशन कह रही है कि इसके अंदर राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, तो इसीलिए कोई एक्शन गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी को लेना चाहिए, वो डिमांड है। तो ये एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, और ऑफकोर्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल कंसर्न भी है, जो मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये एक न्यूज है।
फिर यहाँ पे जो है ये पॉलिटिकल न्यूज होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। यू कैन जस्ट रीड द हेडलाइन कि अच्छा नीतीश कुमार यू नो क्या चल रहा है, तो इट्स ओके। ये भी जो है ये इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है, बिजनेस न्यूज है, पर ये स्पेसिफिक वो दो एंटिटीज का है, वो आप भी थोड़ा डिटेल उसमें ले सकते हैं, पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता इस पे। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो फ्रंट पेज पे है वो है ये, सुप्रीम कोर्ट वार्न्स ऑफ चैलेंज टू जीएम मस्टर्ड रोल आउट। सो जीएम मस्टर्ड काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में है, तो इसके रिलेटेड जो भी होगा वो आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर जो अंदर सेकेंड पेज होते हैं ये सब लोकल पेज होते हैं, तो यहाँ पे जनरली इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं होगी, कोई सिग्निफिकेंट न्यूज होती तो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी नॉर्थ रिलेटेड न्यूज है, आज के न्यूज पेपर में यहाँ कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर जो अगला पेज आता है वो है रिगार्डिंग, ये भी जो है लोकल साउथ रिलेटेड न्यूज है, नथिंग इम्पोर्टेंट हियर। ये है तो यहाँ फ्लड सिचुएशन के बारे में न्यूज है, तो जैसे ये फ्लड रिलेटेड न्यूज है बंगाल फ्लड सिचुएशन की, तो यहाँ पे आपको फ्लड्स तो है, आज के एडिटोरियल में भी फ्लड्स रिलेटेड कवरेज है, पर इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, 2005 का ये एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और क्या कैसे वो फंक्शन करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फ्लड रिलेटेड सिचुएशन में, वो सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑफकोर्स फ्लड्स है, कहाँ है वो फैक्ट्स हमको दिखती है, काफी डेथ्स भी हो रही है, तो सीरियस कंसर्न भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए होनी चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा, क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है हमारी कंट्री में, इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है, वो डिटेल्स हमको पता होनी चाहिए कि हम आंसर्स लिख सके, और इवन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होगी वो डिटेल्स होगी, उस पर हम एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते। फिर अगला है ड्रग स्मगलिंग रूट रिवील्स इटसेल्फ अगेन। तो ये ड्रग स्मगलिंग के बारे में है, तो प्रोमिनेंट बड़ा रैकेट है ये, तो उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। फिर ये नीट रिलेटेड केस है जो मद्रास गवर्नमेंट का काफी टाइम से चल रहा है कि वो नीट को अपोज कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि नीट मद्रास में इंप्लीमेंट हो, क्योंकि मद्रास यहाँ है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु ने एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर बैन लगाई है, एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ काफी सालों से नहीं होते हैं, तो नीट क्योंकि नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर मेडिकल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो इसीलिए वो नेशनल लेवल पे, तो उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इससे एग्जेम्प्ट, तो उन्होंने 85% रिजर्वेशन लाया कि नीट के बाद 85% रिजर्वेशन उनके स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगी, तो उसको एक्चुअली जुडिशरी ने अपहोल्ड नहीं किया है, उसको रिजेक्ट किया है, अपील को भी रिजेक्ट किया गया, तो ये न्यूज है। फिर अगला है एडिटोरियल पेज, तो ये दो एडिटोरियल्स यहाँ पे यूएस रशिया रिलेशंस का एडिटोरियल है, अगला एडिटोरियल ये फ्लड्स रिलेटेड है। जो लीड आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट है, रोज इम्पोर्टेंट नहीं होते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन बैंक जो होगा उससे पता चल जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो ऑफ टारगेट गया है आरबीआई का, ये हमने कई बार डिस्कस किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बट इन्फ्लेशन बिलो 2% गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा आर्टिकल है, तो ऑफकोर्स अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, इस पे पॉइंट्स मिलेगा आपको आर्टिकल में। फिर ये डोंट शूट द मैसेंजर, तो ये विसल ब्लोअर एक्ट को जो गवर्नमेंट अमेंड करना चाहती है वो कैसे प्रोविजंस काउंटर प्रोडक्टिव है, उसके बारे में पूरा आर्टिकल है, तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये डिलिमिटेशन के बारे में है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है इंडियन पॉलिटी में, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और ये इंडिया फिलीपींस रिलेशन के बारे में, जो मनीला फिलीपींस में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मारावी रीजन में जो IS स्ट्रॉन्ग होल्ड बन रहा है, तो इंडिया भी यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है न्यूज में, तो ये सारा पॉलिटिकल न्यूज है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, जीएम मस्टर्ड ये फ्रंट पेज से कंटिन्यूएशन है। फिर ये है ध्रुपद मास्टरी उस्ताद सैयदुद्दीन दगर डाइस, तो यहाँ पे ध्रुपद जो मेंशन किया गया है, तो ये जनरली यूपीएससी पहले सवाल पूछती थी पर्सनालिटीज पे, पर अब नहीं पूछती, लेकिन कल्चर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, इसलिए ध्रुपद के बारे में सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म है ये। फिर ये है अगेन पॉलिटिकल न्यूज, यू कैन जस्ट स्किप इट। ये एलपीजी प्राइसेस के बारे में है, तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी अब आई है कि उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अलाउ किया एलपीजी प्राइस हाइक करने को, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये और एक बिल है ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, तो ये बिल
अमेंडमेंट हुआ है राज्यसभा में, तो अब ये बिल फिर से लोकसभा के पास जाएगा कि वो एक्सेप्ट करते कि नहीं अमेंडमेंट्स। तो ये न्यूज है। फिर ये बिल प्रपोजेज एवेक्शन इन 3 डेज। तो और एक बिल प्रपोज किया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एमपी जो ओवरस्टे करते हैं, उनको जो ऑफिशियल प्रिमाइसिस दिए जाते हैं, हाउसेस दिए जाते हैं, वहां पे वो अपना टर्म खत्म होने के बाद भी सालों तक रहते हैं, तो इसको इनका एवेक्शन एक्सपीडिट करने के लिए एक बिल पास किया गया, बिल इनिशिएट किया गया लोकसभा में। तो ये है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो एप्पल आईफोन कंपनी यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए जो एग्जेम्पशंस मांग रही थी, तो हमने उन काफी एग्जेम्पशंस रिजेक्ट भी किए, तो उसके बारे में गवर्नमेंट ने लोकसभा में क्लैरिफिकेशन दिया। फिर अगला है इंटरनेशनल पेज। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, उनको निकाल दिया गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, जुडिशियरी ने उनको हटाया है, पर बाकी हर एक डे टू डे डेवलपमेंट आपको हर बार देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट है जब तक कि वो ग्लोबल सिग्निफिकेंस कुछ है, या तो फिर कोई रीजनल कंट्री के बारे में है, या फिर अगर इंडिया का स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट है उसमें, तो अदरवाइज इट्स ओके, इस पे कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। तो यही सारा है। फिर अगला है लॉगिन ग्लिच इन आईटी रिटर्न्स डेट एक्सटेंडेड। तो ये जो डेट्स एक्सटेंड हुई है, क्या रीजंस है जो पैन आधार लिंकेज में जो कंसर्न्स आ रहे हैं, लिंकिंग में हो नहीं पा रहा है, एग्जेम्पशंस दिए गए जो पैन आधार लिंकेज के लिए सीनियर सिटीजन को, फॉरेनर्स को, वो नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से डेडलाइंस अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। तो यहाँ रीजंस क्या है वो डिटेल्ड आउट है। और ये 8 core sectors जो है आईपी में, तो यहाँ कोर सेक्टर ग्रोथ भी काफी स्लो हो गया, ये हर महीना डिटेल्स आते हैं। तो 8 core sectors में यहाँ पे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछा है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मंथली क्या अप्स डाउन्स हो रहे हैं वो आपको डेटा फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। फिर बाकी बिजनेस न्यूज है, यू कैन स्किप इट। ये है मिथेनॉल के बारे में। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंडोर्स कर रहे हैं कि मिथेनॉल के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, हमको मिथेनॉल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्लीन चीपर फ्यूल है, तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी ज्यादा है, तो इसको कम करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है। वो कह रहे नीति आयोग इसके ऊपर स्टडी करे। फिर अगेन ये सब बिजनेस रिलेटेड न्यूज है, तो यू कैन स्किप इट, कंपनीज के रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन आते नहीं है यूपीएससी में ज्यादा, तो यू कैन जस्ट स्किप स्पोर्ट्स। जो लास्ट पेज होता है वो है लाइफ पेज। तो ये लाइफ पेज पे कभी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है एसएनटी रिलेटेड। तो यहाँ पे आज जैसे न्यूज है, केमिकल फ्रॉम टर्मरिक ट्रीट्स कैंसर इन चिल्ड्रन स्टडी। तो ये स्टडी है बाय यूएस साइंटिस्ट, उन्होंने कहा है कि कर्क्यूमिन जो टर्मरिक में मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से बच्चों में जो कैंसर होता है वो कैंसर सेल्स किल करने के लिए इसको नैनो पार्टिकल फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है। तो ये एक रिसर्च यहाँ पे एंडोर्स कर रही है बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक। तो ये सिग्निफिकेंट न्यूज है। तो यही है आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। अब हम डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो ये 14 न्यूज आइटम्स थी, इनको हम डिस्कस करेंगे। 13 न्यूज आइटम्स थी। तो फर्स्ट न्यूज आइटम है, इट्स फॉर स्टेट्स टू एंड लिंचिंग सेंटर। तो यही है यहाँ पे जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ है तो वो उसके ऊपर एक्शन वो लेंगे। और इवन बीजेपी एमपी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया कि सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो पहले हिंदू थे, तो ये एक फैक्ट है कि वो कन्वर्ट्स है, तो ये वो कह रहे हैं कि इसलिए उनको हिंदू कस्टम्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये यहाँ पे वो कह रहे हैं। और ये राम मनोहर लोहिया, ये जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनके फादर हीरा लाल भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी जब वो फॉर्म की गई थी 1934, तो ये उसके मेंबर थे। प्लस उन्होंने इवन क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, जेल गए हैं, इवन कांग्रेस रेडियो जो था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो अंडरग्राउंड सीक्रेटली चलता था वो भी वहां पे भी फंक्शन कर रहे थे। वो जर्मनी में बर्लिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, वहां पे भी उन्होंने एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस एस्टेब्लिश किया, फार्मर्स के लिए उन्होंने हिंद किसान पंचायत बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने इवन हिंदी एंडोर्स किया कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया की, क्योंकि इंग्लिश जो है वो ओरिजिनल थिंकिंग में हिंड्रेंस है, तो हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एवरीबॉडी शुड अडॉप्ट हिंदी, ये उनका व्यू पॉइंट था। फिर अगला है
सुप्रीम कोर्ट वार्न्स ऑफ चैलेंजेस टू जीएम मस्टर्ड रूल आउट। तो वही है, हमने जैसे डिस्कस किया कि जीएम मस्टर्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हियरिंग कर रही है केस पे, और गवर्नमेंट ने कहा है, ये जीएसी ने अप्रूवल दिया है जीएम मस्टर्ड को, पर गवर्नमेंट ने अब तक अपना फाइनल पॉलिसी अनाउंस नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हम सेप्टेम्बर तक ये अनाउंस करेंगे पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे गवर्नमेंट को वार्निंग दे रही है कि जो भी आपकी पॉलिसी होगी, अगर आप जीएम मस्टर्ड को अप्रूव कर रहे हैं, तो फिर उसको जुडिशियल स्क्रूटनी सर्वाइव करना होगा। मतलब कि जुडिशियरी उसके ऊपर पूरा डिटेल्स देखेगी कि कोई जो हेल्थ हैजार्ड्स कंसर्न्स जो है, वो हेल्थ हैजार्ड्स कंसर्न्स कैसे, उनके ऊपर यू नो डिसीजन कैसे लिया गया, वो पूरा स्क्रूटनाइज किया जाए। तो ये गवर्नमेंट को एक वार्निंग सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि वट एवर बी योर डिसीजन, दिस इज वी आर गोइंग टू हियर द केस इन डिटेल। तो ये है, और जीएम मस्टर्ड के कंसर्न्स है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो जीएम मस्टर्ड डेवलप इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया काफी सारा जो सीड्स है मस्टर्ड भी इंपोर्ट करती है, तो अपना हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। बिकॉज उसके अंदर जो अपना एनुअल पेमेंट किया जाता है इंपोर्ट्स के लिए, वो पूरा आउटगो होता है कंट्री के लिए। और अगर जीएम मस्टर्ड बनाया जाए तो हाइब्रिड वेराइटीज जो होती है, इससे यील्ड इम्प्रूव होती है 20-30%। तो ये जो जीएम मस्टर्ड बनाया गया है वो है DMH11, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिस्टर दीपक पेंटल ने डेवलप किया है, और ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था। और ये जीएम मस्टर्ड जो है, इसको जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने ऑलरेडी इसको अप्रूव किया है, लेकिन गवर्नमेंट की डिसीजन अब तक नहीं आई है। तो ये जीएम मस्टर्ड जो है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, तो इसके अगेंस्ट कंसर्न रेस किए जा रहे हैं कि क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसिस कैसे हो गए पॉपुलेशन के, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए डिमांड की जा रही है। और ये मेन जो अपोजिशन है वो हर्बिसाइड टॉलरेंस रिलेटेड है। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस जो है, ये जीएम मस्टर्ड में डेवलप किया गया है। तो जीएम मस्टर्ड हर्बिसाइड टॉलरेंट होगी, मतलब जब हर्बिसाइड स्प्रे किए जाएंगे तो मस्टर्ड क्रॉप को अफेक्ट नहीं होगा, पर वीड क्रॉप खत्म हो जाएगा। तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंस का ये बेनिफिट है इसलिए क्योंकि वीड क्रॉप जब साथ में जीएम क्रॉप के ग्रो होते ही है, तो उनकी वजह से यील्ड कम हो जाती है। तो अगर हर्बिसाइड टॉलरेंस होगा तो हर्बिसाइड स्प्रे करने से वीड्स एलिमिनेट हो जाएंगे, क्रॉप को अफेक्ट नहीं होगा, तो यील्ड अपने आप वो 20-30% इंक्रीज होगी। तो ये लॉजिक है। तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंस होने की वजह से कंसर्न भी है, क्योंकि हर्बिसाइड टॉलरेंस इनके पोलन्स जो है, यहाँ पे अगर ये पोलन स्प्रेड हुए और वीड के साथ यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो गया अगर, तो ये सुपर वीड बन जाएंगे, इनमें भी हर्बिसाइड टॉलरेंस आ जाएगा, फिर आप कितना भी हर्बिसाइड डालो वीड भी नहीं जाएगा। तो ये कंसर्न है कि सुपरवीड नहीं डेवलप हो जाए, इसलिए जीएसी की भी जो सब कमेटी थी, उन्होंने भी यहाँ पे रूलिंग दिया था कि अगर जीएम क्रॉप अप्रूव किया जाता है तो क्लियर हमको रेगुलेशन चाहिएगा कि हर्बिसाइड कौन सा स्प्रे किया जा रहा है, जो अप्रूव्ड है वही स्प्रे किया जाए और कोई नहीं स्प्रे किया जाए। तो ये सब भी कंसर्न है। तो यही मेन कंसर्न है विथ जीएम मस्टर्ड। फिर अगला है, ड्रग स्मगलिंग रूट रिवील्स इटसेल्फ अगेन। तो ये ड्रग स्मगलिंग एक कंसाइनमेंट यहाँ पकड़ा गया है, 1500 केजी हीरोइन वर्थ 3500 करोड़। तो ये पूरा बड़ा रैकेट है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से ड्रग आता है और इंडियन ओशन से ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया और इंटरनेशनली स्प्रेड होता है। इसके मास्टरमाइंड्स माने जाते हैं सिंगापुर दुबई में है। तो ये ड्रग रैकेट यहाँ पे इंडिया में पकड़ा गया। तो यहाँ पे अथॉरिटीज कह रहे कि ये इंडिया के लिए टारगेटेड नहीं था, पर ऑफकोर्स ये ह्यूज कंसर्न है, इस के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगला है, सुप्रीम कोर्ट बैन्स 5 टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम क्रैकर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब हमने डिस्कस किया था कल ही, ये डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियरली अपनी पॉलिसी लाए कि एयर पोल्यूशन वो कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स, क्योंकि अब दिवाली दशहरा जो आ रहा है तो फायर क्रैकर्स के ऊपर रेगुलेशन लाना जरूरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उन्होंने बैन ऑर्डर किया है कि 5 केमिकल्स जिनको वो कहते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टॉक्सिक लेबल किया है, तो ये 5 केमिकल्स को वो बैन कर रही है। और ये 5 केमिकल्स है एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और लेड। तो ये 5 केमिकल्स अब बैन किए जाएंगे। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये इंश्योर करे कि ये कंप्लायंस हो ऑर्डर का, स्पेशली इन सेवकासी। तो ये PSO हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है डिटेल में, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज की भी कीवर्ड्स में इनका डिटेल दिया गया है। और सिवकासी ये हब है फायरवर्क्स इंडस्ट्री का इंडिया में, तो यहाँ पे स्पेशली रेगुलेशंस की जरूरत है। बाकी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में बैन कर दिया है फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एंड NCR रीजन, तो ये अभी भी कंटिन्यू होगा
मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं इसको हटाया जाए, पर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया क्योंकि एयर पोल्यूशन के लिए कंसर्न है यहाँ पे, तो वो है। इसके अलावा और एक केमिकल है जिसके लिए कंसर्न किए है, वो है स्ट्रॉन्शियम। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा गया कि स्ट्रॉन्शियम के बारे में वो अपनी डिटेल्स दे कि ये क्या, इसको भी टॉक्सिक ब्रांड करना चाहिए और इसको भी बैन करना चाहिए कि नहीं, तो ये डिटेल्स अब आएगी। इसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सल्फर के बारे में भी रिपोर्ट दी थी कि काफी सारा सल्फर यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स में, जिसकी वजह से मेजरली एयर पोल्यूशन होता है। तो ये केमिकल भी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि क्लियर इंडिकेशन हो कि कितना परसेंटेज केमिकल अलाउड है, ताकि वो उसको फॉलो कर सके और जो रैंडम चेक्स होते हैं उनमें उनका जो जो सीजर किया जाता है उनके उनसे वो थ्रू लॉ लीगल वेज वो इसको फाइट कर सके। और ये जो है पूरा सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है, 1985 का पेटिशन है बाय एडवोकेट एमसी मेहता। तो ये पॉल्यूशन के ऊपर ये प्रोमिनेंट पेटिशन है, तो उसके अंदर ही वो ये एयर पॉल्यूशन के ऊपर भी जो है हियरिंग कर रही है और बैन भी ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पे दिया गया है काफी सारे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं फायर क्रैकर्स में, क्यों यूज किए जाते हैं और उसकी वजह से जो इफेक्ट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो। फिर अगला है मद्रास हाईकोर्ट डिसमिसेस अपील अगेंस्ट नीट। तो ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो ये नीट जो है इसको मद्रास हाई कोर्ट ने फिर से बैन किया है। एक्चुअली अपील में तमिलनाडु गवर्नमेंट गई थी क्योंकि नीट वो चाहते हैं कि उनके उनके स्टेट में एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि तमिलनाडु ने एंट्रेंस एग्जाम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इनको बैन किया है काफी सालों से। तो यहाँ पे वो लाए थे नीट, तो नेशनल लेवल पे था एग्जाम फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन लाया कि 85% जो होगी सीट्स वो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होगी। तो ये रिजर्वेशन हाईकोर्ट में अपहोल्ड नहीं किया गया, इवन अपील में भी इसको डिसमिस किया गया। तो ये है पूरा डिटेल तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो नीट के साथ वो ट्राई कर रहे हैं नीट को सपोर्ट करने के लिए। फिर अगला है ध्रुपद मास्टर उस्ताद सईदुद्दीन डगर डाइस। तो ये ध्रुपद के बारे में है। तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है, तो ये पता होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तानी म्यूजिक डिटेल्स दिए गए जैसे ख्याल, तराना, ठुमरी, भजन, गजल, तो यहाँ पे उनके भी डिटेल्स दिए गए। तो ध्रुपद जो है इसको तंबूरा पंखावज यूज करके जनरली परफॉर्म किया जाता है, सिंगिंग स्टाइल है। ख्याल जो है ये इमोशंस के ऊपर एम्फेसिस करता है। तराना इज फास्ट पेस्ड सॉन्ग्स। तप्पा ये फास्ट सटल यू नो रोलिंग पेस होती है इसकी तप्पा की। ठुमरी ये हिंदी लैंग्वेज में रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, प्रोटो हिंदी लैंग्वेज होती है इसकी। और ये पर्शियन पोएट्री जो होती है गजल्स। तो ये सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अलग अलग टाइप्स है। और ये ध्रुपद के बारे में भी नाट्य शास्त्र में भी मेंशन है जो भरत मुनि ने लिखा था। तो ये वो ये लिखा गया है ना मिथिकल फॉर्मेट कि गॉड ब्रह्मा उनको सिखा रहे थे कि कैसे नाट्य शास्त्र कैसे होना चाहिए। तो जो डांस ड्रामा म्यूजिक फॉर्म है इंडिया का वो सब का डिटेल्स ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थिएटर एंड डांस मैनुअल मानी जाती है। तो इसमें सारे उसके ओरिजिन है नाट्य शास्त्र। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और ध्रुपद वही है, ध्रुपद भी संस्कृत टर्म है। ध्रुव मतलब है इमूवेबल और पद मतलब वर्स। तो ये एक्चुअली इसका मतलब होता है पिलर ध्रुपद। तो ये जनरली जो है फिलोसॉफिकल भक्ति सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन थोड़े ध्रुपद इवन किंग्स के प्रेज में भी लिखे गए थे। फिर अगला है सब्सिडाइज्ड एलपीजी प्राइस टू बी हाइक्ड बाय ₹4 पर सिलेंडर एवरी मंथ। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हर महीना ₹4 पर सिलेंडर इंक्रीज कर सकती है एलपीजी सब्सिडीज इंक्रीज प्राइस। एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस जो सब्सिडाइज एलपीजी उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर सकती है, ताकि इवेंचुअली गवर्नमेंट चाहती है कि मार्च 2018 तक सारी सब्सिडीज एलिमिनेट हो जाए। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लाया है, पर हाउस होल्ड 12 सिलेंडर्स मिलते हैं 14.2 केजी के एट सब्सिडाइज रेट्स। और काफी गिव इट अप कैंपेन में भी काफी लोगों ने इसको गिव अप किया है और गवर्नमेंट अब इसका जो है ₹188 सब्सिडी है। तो सब्सिडाइज प्राइस जो है 419 है, मार्केट प्राइस 608। तो 188 रुपीज जो सब्सिडी वो बेयर करती है गवर्नमेंट, इसको भी वो एलिमिनेट करना चाहते हैं बाय हर मंथ एवरी मंथ थोड़ा इंक्रीज करके प्राइस। तो ये है, तो एलपीजी सब्सिडी बिल जो है गवर्नमेंट के लिए वो भी काफी कम हो गया ओवर द इयर्स, ये आप देख सकते हैं। फिर अगला है गवर्नमेंट रेड फेस एज एल्डर्स अमेंड ओबीसी बिल सेंड इट बैक टू लोकसभा।
सो ये 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो लोकसभा में ये बिल पास हो गया है लेकिन राज्यसभा ने अब इसका नाम अमेंड किया है कमीशन का. वो कह रहे हैं इसको नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होना चाहिए और इसीलिए अमेंडमेंट्स के साथ अब ये फिर से लोकसभा के पास गया है. तो लोकसभा इसको अप्रूव करेगी तो ये बिल आगे पास होगा. अगर ये अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी तो, या तो रिजेक्ट करेगी तो फिर से राज्यसभा के पास जाएंगे. वैसे तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं तो उनके कैसे उनका कैसे पासेज होता है वो यहाँ पे डिटेल दिया गया है. ये कंपलसरी जो है ये कंपलसरी मनी बिल के लिए है. प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट कंपलसरी है यहाँ पे मनी बिल में और ऑर्डिनरी बिल में नहीं है. तो ये एक एरर है. तो ये इंट्रोडक्शन लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है ऑर्डिनरी बिल का इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का. पर मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है बाकी दोनों के लिए नहीं. डेडलॉक अगर होता है तो ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है. ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं है. ज्वाइंट सिटिंग नहीं है क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है क्योंकि मनी बिल जो है ये अगर लोकसभा राज्यसभा पास नहीं करती 14 डेज में पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा के पास जाएगा 14 डेज टाइम है. 14 डेज में अगर राज्यसभा अप्रूव नहीं करती तो फिर ये बिल जाएगा पास हो जाएगा. तो जॉइंट सिटिंग की जरूरत ही नहीं आती तो वो है. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता. और ऑफकोर्स 3 टाइप्स है. तो जो स्पेशल प्रोविजंस के साथ स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है उसको. बाकी जो है फर्स्ट टाइप जो ऑर्डिनरीली बिल पास हो जाता है ऑर्डिनरी बिल की तरह उसमें ऑफकोर्स जॉइंट सिटिंग अलाउड होगा. तो ये है. फिर अगला है बिल इन लोकसभा में इविक्ट फ्रॉम मेक इविक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट होम स्मूथ टाइम बाउंड. तो ये एक नया बिल है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है पब्लिक प्रिमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स अमेंडमेंट बिल. तो ये जो है यहाँ पे जो एस्टेट ऑफिशियल्स है उनको ज्यादा पावर दिया जा रहा है कि वो एविक्शन कर सके उन लोगों का जो ओवरस्टे करते हैं. तो एमपीज डिग्निटरीज ब्यूरोक्रेट्स ये ओवरस्टे करते हैं और फिर कोर्ट पे जाके स्टे लेकर आते हैं जिस वजह से वो सालों तक वो प्रिमाइसेस में रहते हैं हालांकि उनका टर्म खत्म हो गया होता है. तो इसीलिए अब इनका अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स के ऊपर क्विक एक्शन लेने के लिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है. प्लस इसमें ये भी प्रोविजन है कि इनको डैमेजेस पे करने होंगे अगर ये अनऑथराइज रह रहे तो एवरी मंथ वो अकोमोडेशन होल्ड करेंगे उनको वो डैमेजेस भी पे करने होंगे. तो ये भी एक प्रोविजन है. फिर अगला है रिजेक्टेड ड्यूटी रिबेट डिमांड्स फॉर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सेज गवर्नमेंट. तो एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने गवर्नमेंट से काफी सारे कंसेशन मांगे थे. एक था कि जो 30% लोकल सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट का प्रोविजन होता है कि लोकली डोमेस्टिक कंपनी से सोर्स करना है वो इससे एग्जेम्पशन चाहते थे और ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है क्योंकि फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी एग्जेम्पशन दिया जा सकता है पर गवर्नमेंट ने दिया है सिर्फ 3 साल के लिए उसके बाद उनको डोमेस्टिक सोर्सिंग करना होगा. ठीक है एक है. इसके अलावा ये ड्यूटी एग्जेम्पशंस चाह रहे थे तो ऑलरेडी वो क्या गवर्नमेंट कहती है कि कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस ऑलरेडी है. तो कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशंस जो है वो सारे मोबाइल कंपनीज के लिए है एक्सेप्ट चार्जर बैटरी एंड स्पीकर. पर वो चाहते हैं कि चार्जर बैटरी स्पीकर पे भी उनको एग्जेम्पशन मिले जो गवर्नमेंट ने नहीं एक्सेप्ट किया है. और बेसिक कस्टम ड्यूटी है ये एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से. बाकी सब तो अब इम्पोर्ट्स भी हो गए उनके ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी के हिसाब से टैक्सेशन होगा. और ऑलरेडी मोबाइल फोन्स के ऊपर 12% जीएसटी डाला गया डोमेस्टिक या इम्पोर्टेड तो ये जीएसटी लगेगा. और गवर्नमेंट कह रही है कि अब जीएसटी के जो रेट्स है टैक्सेशन रेट्स इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी. तो ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया. और रिपेयर्स के लिए भी वो चाहते थे कि रिपेयर्स जो होती है तो उनके लिए भी वो एग्जेम्पशन चाहते थे पर सिर्फ जो न्यू मोबाइल्स हैं उनके लिए एग्जेम्पशन थे रिपेयर पार्ट्स के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं. तो ये है पूरा एप्पल का डिटेल्स. तो एप्पल ऑफकोर्स इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट तो एप्पल चाहती है यहाँ पे मैन्युफैक्चर बेस बनाना और एग्जेम्पशन चाहती थी जिसको गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया है. फिर अगला है लॉग इन ग्लिच एक्सटेंडेड. तो यहाँ पे आईटी रिटर्न्स की डेट अब 31 जुलाई से 5 अगस्त तक एक्सटेंड की गई है क्योंकि पैन आधार लिंकेज में काफी कंसर्न्स आ रहे हैं लोगों को जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है. हालांकि थोड़े एग्जेम्पशंस भी दिए गए. मई 2017 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था कि सीनियर सिटीजन्स एनआरआई फॉरिनर्स सिटीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे आधार एनरोलमेंट भी काफी लो है ये एग्जेम्प्टेड है. पर वेबसाइट पे आपसे वो
मांगते ही ये डिटेल, तो वो ये भी दिक्कतें आ रही है। प्लस इवन टैक्स पेयर्स जो 5 लाख से ज्यादा इनकम है जिनकी, उनको ऑनलाइन ही ई रिटर्न ही फाइल करने हैं, वो भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। तो इसीलिए बहुत सारा जो है ग्लिचेस आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सर्वर्स डाउन हो रहे हैं वेबसाइट्स की। तो अब यहाँ पे वही उन्होंने एक्सटेंड किया है। और लास्टली इवन डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो भी डिपॉजिट्स किए गए, इंडिविजुअल्स ने जो डिपॉजिट किए उनका भी डिटेल्स टैक्स रिटर्न्स में देना है, इसलिए नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स भी अब इंक्रीज हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काफी बर्डन आ गया है और इसीलिए डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। फिर अगला है कोर सेक्टर ग्रोथ फॉल्स टू 0.4% इन जून। तो जो कोर सेक्टर्स है, 8 कोर इंडस्ट्रीज अंडर आईआईटी, उसके ऊपर जैसे मैंने कहा काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इनका ओवरऑल वेटेज इन आईआईटी इज 40%, 40.27%। तो ये है, और ये 8 कोर सेक्टर्स ये मैक्सिमम वेटेज इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। प्लस ये जो है इनका अप्स एंड डाउन होगा, तो लो हुआ है, स्लो डाउन हुआ है, 0.4% है जून मंथ के लिए, कंपेयर टू मई जब 3.6% था। ये ओवरऑल स्लो डाउन हुआ है वही ये इंडिकेट करता है। पर जो स्टैटिक पार्ट है कि कोर सेक्टर्स कौन से है वो भी पता होना चाहिए, और ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कंपोनेंट है। फिर अगला है मिथेनॉल अ क्लीन चीपर फ्यूल। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी एंटोस कर रहे हैं कि इंडिया में भी मिथेनॉल मैन्युफैक्चर होना चाहिए और इसको अल्टरनेट फ्यूल की तरह यूज करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि नीति आयोग को इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए, और वो कह रहे चाइना में जैसे मिथेनॉल यूज किया जा रहा है वैसे हम भी डेवलप कर सकते हैं। इवन कोल रिजर्व्स इंडिया में काफी ज्यादा है, तो उससे मिथेनॉल मैन्युफैक्चर हो सकता है। इवन नई टेक्नोलॉजी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। वो कह रहे इंडिया फिलहाल मिथेनॉल इम्पोर्ट करती है, तो ये यहाँ पे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। वो कह रहे नीति आयोग कह रहे ऑलरेडी यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इथेनॉल हमने ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, तो मिथेनॉल भी डेवलप करे वो डिमांड किया जा रहा है। इवन मिथेनॉल म्यूनिसिपल वेस्ट से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसके ऊपर अब रिसर्च और स्टडी की जाएगी। तो ये है मिथेनॉल, लेकिन इसके कंसर्न्स भी है, क्योंकि मिथेनॉल इथेनॉल जो है ये फूड क्रॉप से आता है, इथेनॉल अल्कोहल का मेन कंपोनेंट होता है, तो ये कंज्यूमेबल है, पर मिथेनॉल जो है ये टॉक्सिक हो जाता है इफ कंज्यूम। तो इसीलिए अगर एमिशंस काफी ज्यादा हो गए तो एक कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट्स भी है इसमें, तो इसीलिए कंसर्न्स रेज किए जाते हैं कि मिथेनॉल की वजह से ये कंसर्न्स हो सकते हैं। फिर अगला है द लास्ट न्यूज आइटम, टर्मरिक कैन बी यूज टू फाइट कैंसर इन चिल्ड्रेन, फाइंड यूएस साइंटिस्ट। तो यूएस साइंटिस्ट ने यहाँ स्टडी किया है कि ये जो कर्क्यूमिन एक बायोएक्टिव कंपोनेंट है टर्मरिक में, इसको बच्चों में जो कैंसर होता है न्यूरोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय करने के लिए कर्क्यूमिन के नैनो पार्टिकल्स यूज किए जा सकते हैं। तो ये एक रिसर्च है, ऑलरेडी इंडिया में भी रिसर्चर्स ने जेएनयू यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे रिसर्चर्स ने बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी ये कर्क्यूमिन जो है नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में, इनका बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से ये थेरेप्यूटिक फंक्शंस कर सकती है। तो यहाँ पे ये फॉरेन रिसर्चर्स ने भी ये प्रूव किया है। तो ये टर्मरिक जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रोमिनेंट कंपोनेंट होता है, ये कैंसर सेल से फाइट कर सकता है और बाकी भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये न्यूज़ है, तो यही है न्यूज़ आइटम्स। थैंक यू।